तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा बैक टू बैक बिजी हैं जब से बिग बॉस के घर से बाहर निकले हैं, लेकिन अब रिसेंटली इन दोनों का गाना रुला देती है रिलीज हुआ, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहा है। बट इसी के साथ साथ चलिए आपको बताती हूँ कि अब इस गाने की रिलीज के बाद जहां एक तरफ होली का ओकेजन बहुत जल्द आने वाला है, उसी के साथ साथ एक और खास ओकेजन है और वो है विमेंस डे का। जी हाँ, विमेंस डे के मौके पर तेजस्वी ने क्या कहा है ये मैं आपको बताने आ गई हूँ। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू सिने स्पीक्स, मैं हूँ ज्योति नाहक। तेजस्वी प्रकाश ने विमेंस डे को बहुत ही खास बताया है और इस बार का विमेंस डे खास इसलिए भी है क्योंकि वो किसी की लाइफ की स्पेशल वुमेन बन गई हैं। जी हाँ, करण कुंद्रा की लाइफ की। करण ने एक बड़ा ही स्ट्रांग स्टैंड हमेशा तेजस्वी के लिए रखा है और काफी ज्यादा प्यार करते हैं तेजस्वी से, यह हम कई बार देख चुके हैं। बट आपको बता दूं कि जब तेजस्वी से पूछा गया कि किस तरीके से वो विमेंस डे सेलिब्रेट करने का सोच रही हैं, तो इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं और मेरी मम्मी के साथ में जाकर सेलिब्रेट करना चाहूंगी विमेंस डे और उनको स्पेशल फील कराना चाहूंगी। उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं करण ने भी डिसाइड किया है कि वो भी अपनी मॉम को लंच पर लेके जाएंगे, तो मैं और करण अपनी अपनी मॉम्स को लंच पर लेकर जाना चाहते हैं। हालांकि ये मेरा ही आइडिया था, तेजस्वी ने इस बात को स्पेसिफाई कर दिया कि ये मेरा आइडिया था कि हम अपने मॉम्स को साथ में लंच पर लेकर जाएं। वो अलग बात है कि ये पूरी तरह से स्केड्यूल पर डिपेंड करता है, अगर छुट्टी मिल जाती है तो डेफिनेटली हम ऐसा करेंगे और अपने मॉम्स को एक अच्छा खासा ब्रंच या लंच जो है वो एंजॉय करवाएंगे। सो विमेंस डे पर तेजस्वी ने तो अपने प्लान्स बता दिए हैं करण के साथ और उनकी मॉम के साथ। आपके क्या है प्लान्स, आप लोग क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर कॉमेंट सेक्शन में।